अभी हमने आपको इसलिए अर्जेंटली बुलाया, मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग जानते होंगे कि आज 6:30 बजे से पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में दफा 143 लगाया गया, जो अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि जहां इलेक्शन होने वाला हो वहां दफा 143 लगाया जाए और तब तक लगाया जाए जब तक इलेक्शन का प्रोसेस खत्म नहीं होता है। इतना ही नहीं बल्कि कई दिनों से हमारे जो पीडीपी के जो वर्कर हैं, जो एक्टिव वर्कर हैं, जो अभी मीटिंग्स का ऑर्गेनाइज करते थे, उनको बाजाब्ता थानों में बुला के डिटेन किया जा रहा है। ये खाली पुलवामा तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। जैसे आपने सुना अभी कुछ दिन पहले सुरंग कोट में सनाई टॉप में अटैक हुआ था, उसके बाद वहां हमारे वर्कर दर्जनों नहीं 50-50, 60-60 वर्कर हमारे बंद किए जा रहे हैं और अजीब माहौल बनाया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आती कि अगर इन्होंने 87 रिपीट करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, तो ये इलेक्शन का ड्रामा क्यों है? अगर इन्होंने यहां पर इकवान को खड़ा करना है, इकवानियों की जमात को खड़ा करना है, अपनी प्रॉक्सीज को खड़ा करना है जिनको ये सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि अभी ये खुली तौर से सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं बिकॉज ये चाहते हैं कश्मीर के इलेक्शन हो जाए, उसके बाद ये राजौरी पुंछ में अपना सपोर्ट डिक्लेयर करेंगे। वहां भी आप जानते हैं वहां इलेक्शन को डिले किया गया सिर्फ इस वजह से ताकि वहां जो इनकी जमाते हैं, जो इनकी इखवान जमाते इन्होंने खड़ी की है, सूटेड बूटेड इखवान, क्योंकि हमने तो इखवान राज यहां खत्म किया था, मगर इन्होंने दोबारा पॉलिटिकल इखवान अब सामने लाया है जिनको ये पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। सारी आपकी गवर्नमेंट मशीनरी, हमारे पास लोग आते हैं, चाहे वो पुलिस के लोग हों या दूसरे लोग, वो कहते हैं हमें ऊपर से डायरेक्शन है, और सिलेक्टिवली पीडीपी के वर्करों को बुलाया जाता है, उनको हरासा किया जाता है, और सिलेक्टिवली आज पुलवामा में इन्होंने दफा 144 लगाया। तो मैं कहना चाहती हूँ जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, अगर आपने यही करना है, अगर आपने अपनी प्रॉक्सीज के लिए सारी मशीनरी, सारा पैसा, क्योंकि अभी जो हमारी राजौरी पुंछ से जो हमें इतला मिलती है वहां भी इनका जमानत जब्त होनी है, वहां की इनकी कश्मीर में भी इनकी जो पार्टीज है उनकी जमानत जब्त होनी है, मगर मुझे समझ नहीं आता ये किस बलबोते पे इतनी सारी सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सारी प्रेस्टीज, सारी मशीनरी, सारी सरकार इस वक्त इनके हक में काम कर रही है और पीडीपी को सिलेक्टिवली टारगेट किया जा रहा है, हमारे वर्कर्स को पकड़ के बंद किया जा रहा है थानों में, उनको हरासा किया जा रहा है। परसों हमारा 70 साल का आजम मलिक, उसको बंद किया और 2 दिन के बाद उसको छोड़ दिया। आज फिर से हमारे वर्कर जो है वहां सुरनपुर में बंद किए गए, सब पहले बंद किए उनको छोड़ दिया, अब दोबारा और लोगों को बंद किया जा रहा है, हमारी मूवमेंट वहां कर्टेल हो रही है। यहाँ आपने देखा कि यहाँ पर भी इस वक्त पुलवामा में भी बहुत बुरा हाल है। तो मुझे समझ नहीं आती, मेरी यही गुजारिश है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, अगर आपने यही करना है तो इलेक्शन का ड्रामा क्यों? अभी तो हम 87 के कांटे भी नहीं निकाल पाते हैं, अभी तो हमारे कब्रिस्तान 87 के उस जो उस दिन दान ली हुई थी उसकी वजह से भरे हुए हैं, हमारी बच्चे ये यतीम हो गए, हमारी बेवाएं यहाँ हो गई हैं, और नतीजा है 87 का इलेक्शन। बड़ी मुश्किल से वाजपेयी जी ने 2002 में रेड फोर्ट से ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, और बड़ी मुश्किल से कश्मीरियों का भरोसा है इस वोट की पर्ची के ऊपर। तो अगर आप आज ये फिर वही धांधली करना चाहते हैं तो हमें बताइए, हम चले जाएंगे, हमें कोई मजबूरी नहीं है, हम क्यों लोगों को, वर्करों को इस वक्त उनको उनकी जान जो है जोखिम में डाल दें? तो यही मेरी गुजारिश है, और मेरी जो श्रीनगर के सेंट्रल कश्मीर के लोगों से भी गुजारिश है, साउथ कश्मीर में और नॉर्थ कश्मीर, खासकर सेंट्रल कश्मीर के लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि बीजेपी ने यहाँ के लोगों को मुल्जिम बनाया, उनको जेलों में डाला किसी कसूर के, हमने उसी में से एक मुल्जिम को आपका कैंडिडेट बनाया, वहीदुर्रहमान परा, जिसको 3 साल जेल में बंद रखा गया। अब आपकी जिम्मेवारी बनती है नई दिल्ली को ये मैसेज देना कि आपने हमारे लड़कों को जेलों में डाल दिया, मगर हम उनको वकील बना के पार्लियामेंट में भेज देंगे। दैट्स ऑल आई हैव टू से। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क।